हाय फ्रेंड्स, स्टेशन एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब के चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लालकुआं वाराणसी सिटी समर स्पेशल ट्रेन का व्यू लेकर आए हैं। सामने देख सकते हैं ये लालकुआं हावड़ा समर स्पेशल ट्रेन है 050/60, एक हफ्ता पुराना वीडियो है। तो बात चल रही थी लालकुआं वाराणसी सिटी समर स्पेशल ट्रेन के बारे में, जो कई दिनों के बाद फिर से संचालित हुई। ये वही रेक है जो टनकपुर से देहरादून के बीच में चलता है, फिर इसे लालकुआं पहुंचाया जाता है, तो फिर लालकुआं से वाराणसी सिटी के बीच में ये ट्रेन चलाई गई है। अच्छी ट्रेन है लेकिन खाली जा रही है। खाली इसलिए गई क्योंकि बहुत से लोगों को अभी पता नहीं चल पाया। रेगुलर ही कर दें इसको साप्ताहिक तो भी अच्छा रहेगा, लोगों को वाराणसी जाने में आसानी हो जाएगी। यानी कि छोटी काशी से बड़ी काशी जो जुड़ ही गया है। दूसरी बात, जो आपका बनारस है या वाराणसी है तो वो नैनीताल से भी जुड़ जाएगा इस ट्रेन के माध्यम से। हाल ही में मैंने वीडियो भी बनाया था और डाला था। ट्रेनों का ट्रैफिक बढ़ गया है रात के समय में, देख सकते हैं एक के बाद एक ट्रेनें जा रही हैं। ये 050/85 है पीलीभीत से डालीगंज जाने वाली रात के समय में। अभी 050/88 का व्यू भी दिखाएंगे। तो सोमवार वाले दिन हर आधे घंटे में रात के 8 बजे के बाद में ट्रेन ही ट्रेन है, या आप कह सकते हैं 7 बजे से जब आपकी ये 15010 ट्रेन जाती है, तो उसके बाद 5492 नंबर की ट्रेन, फिर आपकी 050/85 नंबर की ट्रेन, 050/88 नंबर की ट्रेन, फिर आपकी 050/55 नंबर की ट्रेन। तो ट्रेन ही ट्रेन है। समय इतना ज़्यादा रखा गया है कि जगह जगह पर ट्रेनों को क्रॉस कराया जा रहा है। हालांकि इन सभी ट्रेनों का समय आसानी से बच सकता है अगर बीच में जिन स्टेशनों को हॉल्ट में तब्दील कर दिया गया है उनको फिर से स्टेशन बना दिया जाए। तो जो ये गैप है जो क्रॉस कराने के लिए जगह जगह रोकना पड़ता है, मालगाड़ी भी कभी कदार बीच में आ जाती है, तो इस वजह से ट्रेनें लेट नहीं होंगी क्योंकि ट्रेन क्रॉस कराने के लिए पर्याप्त स्टेशन मिल जाया करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं 050/88 में फिर भी भीड़ है। अभी 050/85 में भी इतनी भीड़ नहीं है। और जो आपकी 050/55 ट्रेन गई लालकुआं से वाराणसी सिटी के लिए, तो वो भी एक तरह से खाली ही गई। आप लोग देखिएगा, ज़्यादा यात्री नहीं थे और बहुत से लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं थी। तो सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा रेलवे को। अगर स्टेशन नहीं बढ़ाएंगे तो जगह जगह ट्रेन क्रॉस कराने के लिए खड़ी करनी पड़ेगी, ट्रेनें लेट हुआ करेंगी। कई दिनों बाद जब इस ट्रेन का संचालन फिर से शुरू हुआ तो लगभग 10 मिनट के करीब में ये ट्रेन लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर खड़ी रही और 050/88 के साथ इसका क्रॉस हुआ। तो लगभग सीतापुर पहुँचते पहुँचते ये ट्रेन 10 से 15 मिनट ही लेट हुई। तो अब रेलवे को सोचना चाहिए कि दिल्ली और मुंबई के लिए ट्रेनें भी हमारे ज़िले से दे दें, क्योंकि देश में लगभग कई हिस्सों से लंबी लंबी दूरी की अच्छी ट्रेनें चल रही, वंदे भारत चल रही, गतिमान चल रही, दुरंतो चल रही, राजधानी चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक दिल्ली मुंबई के लिए ट्रेन उपलब्ध नहीं हो पाई। कुछ ध्यान देना चाहिए रेलवे को, केवल यही नहीं कि 2-4 ट्रेनें चला दी बस काफ़ी है। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।